भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इंडिया वोमेन और थाईलैंड वोमेन के बीच होने वाले वोमेन्स एशिया कप के 19वें मैच के बारे में। तो ये मैच दोपहर के 1 बजे सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें इंड एनालिसिस के लिए, जिससे आपको आपकी ड्रीम इलेवन की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं पिच की, तो एक बॉलिंग पिच है जहां पर स्पिनर्स जनरली ज़्यादा विकेट पाते हैं फास्ट बॉलर्स के मुकाबले, इस बात का आप ध्यान रखना। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात की जाए तो 120-130 बन सकता है। और ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो टोटल 16 T20 मैच यहां पर हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है। तो कोई खास अंतर है नहीं। अब हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड्स की बात की जाए थाईलैंड वोमेन और इंडिया वोमेन के बीच में, तो टोटल 3 मैचेज हुए हैं जिसमें इंडिया वोमेन ने 3 के 3 मैचों में जीत दर्ज की है। अब थाईलैंड वोमेन के लास्ट 5 मैच के बिनो लॉस रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो थाईलैंड वोमेन को पिछले 5 में से 3 मैचों में जीत मिली है और 2 मैचों में हार मिली है। अब यहां से ओपन करने वाली हैं यन कोनचारोकाई और उनके साथ ओपन करेंगी नथाकम चांटम। यन कोरनचाई ने T20 में 53 मैच खेले हैं जिसमें 799 रन स्कोर किए हैं 22 की ओवर से, और हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ 1 मैच खेले हैं जिसमें कोई रन स्कोर नहीं कर पाई थी। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 8-25-13-6-41 उनके साथ आएंगी नथाकम चांटम। T20 में 53 मैच खेले हैं जिसमें 1155 रन स्कोर किए 26 की ओवर से, और हेड टू हेड में इंडिया वोमेन के खिलाफ 1 मैच में 5 रन स्कोर किए थे। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 20-60-61-12-10 मुझे थाईलैंड वोमेन की तरफ से नथाकम चांटम ही एक अच्छी बल्लेबाज नजर आती है, और उसके साथ साथ यन चाईवाई भी अच्छी बल्लेबाज नजर आती है। उनके बाद आएंगी यन चाईवाई टीम की कैप्टन, T20 में 55 मैच खेले हैं जिसमें 897 रन स्कोर किए हैं 21 की ओवर से, और हेड टू हेड में इंडिया वोमेन के खिलाफ 1 मैच में 14 रन स्कोर किए थे। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 2-19-17-37-28 उनके बाद आएंगी सी सुत्तीरंग, T20 में 54 मैच खेले हैं जिसमें 564 रन स्कोर किए हैं 16 की ओवर से और 47 विकेट नाम है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 1 मैच खेली थी इंडिया वोमेन के खिलाफ, 12 रन स्कोर की थी और कोई विकेट नहीं मिला था। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 रन 0 विकेट 37 नाबाद 0 विकेट 0 विकेट 3 रन 0 विकेट और 24 रन 1 विकेट। उनके बाद आएंगी आर कनो, T20 में 42 मैच खेले हैं जिसमें 218 रन स्कोर किए हैं 11 की ओवर से और 18 विकेट नाम है। और हेड टू हेड की बात की जाए तो 3 मैच खेले हैं इंडिया वोमेन के खिलाफ जिसमें 16 रन स्कोर किए हैं और 1 विकेट। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि यश टिपोच बैटिंग सेक्शन में दी हुई है, लेकिन अपने 4 के 4 ओवर पूरे डालेगी, इस बात का ध्यान रखना। उनके बाद आएंगी ओ काम चोम्पू, T20 में 53 मैच खेली हैं जिसमें 105 रन स्कोर किए हैं 5 की ओवर से और 41 विकेट नाम है। मेनली इनका काम होता है बॉलिंग का। और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। उनके बाद आएंगी यन बुचाटम, T20 में 55 मैच खेले हैं जिसमें 472 रन स्कोर किए हैं 13 की ओवर से और 73 विकेट नाम है। और हेड टू हेड की बात की जाए तो 1 मैच खेली थी इंडिया वोमेन के खिलाफ 21 रन स्कोर की थी 1 विकेट मिला था। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 0 विकेट 1 विकेट 3 नाबाद 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। उनके बाद आएंगी बी लिफाथना, T20 में 1 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग कुछ नहीं किया था। उनके बाद आएंगी टी पुथुओंग, T20 में 18 मैच खेले हैं जिसमें 15 विकेट नाम है, अच्छी गेंदबाजी कराती है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, तो इसको लगातार विकेट भी मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब बेंच में जो प्लेयर हैं अगर कोई खेलता है स्टेट्स मिल जाएंगे। अब यहां से स्टार्टिंग के ओवर डालने वाली हैं यन बुचाटम, सी सुतिरंग और टी पुथुओंग, और डेथ के ओवर डालेंगी यश टिपोच, ओ काम पोंछू और सी सुतिरंग। अब ये तो बात हो गई थाईलैंड वोमेन के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं इंडिया वोमेन के लास्ट 5 मैच के विन और लॉस रिकॉर्ड की। तो इंडिया वोमेन को पिछले 5 में से 4 मैचों में जीत मिली है, वहीं 1 मैचों में हार मिली है। अब यहां से ओपन करने वाली हैं स्मृति मंधाना, उनके साथ ओपन करेंगी सविनेनी मेघना। स्मृति मंधाना ने T20 में 99 मैच खेले हैं जिसमें 2373 रन स्कोर किए हैं 26 की ओवर से, और हेड टू हेड में 1 मैच में 29 रन स्कोर किए हैं 29 की ओवर से। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 10 रन डिड नॉट प्ले डिड नॉट बैट और 17 रन और 47 रन, क्योंकि थाईलैंड एक स्मॉल टीम है तो हो सकता है स्मृति मंधाना ओपनिंग ना करें, तो इसके डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसकी आप टेंशन ना लो। उनके साथ आएंगी सविनेनी मेघना, T20 में 16 मैच खेले हैं जिसमें 238 रन स्कोर किए 17 की ओवर से, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 0-69-10-15 और डिड नॉट बैट। उनके बाद आएंगी जेमिमा रोड्रोस, T20 में 63 मैच खेले हैं 1461 रन स्कोर किए 32 की ओवर से, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए
तो 76 डेड नॉट बैड, 75 नाबाद, 2 और 35। इसका लगभग पोजीशन तय है कि नंबर 3 या 4 पर खेलेगी जेमिमा रोड्रिग्स। बाकी सारे प्लेयर्स का पोजीशन तय नहीं है, लेकिन इसका तय है जेमिमा रोड्रिग्स का कि ये नंबर 3 या 4 तक खेलेगी ही। उनके बाद आएंगी टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। T20 में 135 मैच खेले हैं जिसमें 2647 रन स्कोर किए हैं 27 की ओर से, और हेड टू हेड में थाईलैंड ओमन के खिलाफ केवल एक मैच खेली हैं जिसमें 27 रन स्कोर किए हैं। क्योंकि थाईलैंड एक स्मॉल टीम है इसलिए इंडिया और थाईलैंड के बीच इतने मैच होते नहीं हैं। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 5-33 डिड नॉट बैट डिड नॉट प्ले और 12। उनके बाद आएंगे दयालन हेमलता। T20 में 14 मैच खेले हैं जिसमें 90 रन स्कोर किए हैं 9 की ओर से और 9 विकेट नाम है। और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 13 रन 3 विकेट 10 नाबाद, 2 रन 1 विकेट और 20 रन 0 विकेट। उनके बाद आएंगे ऋचा घोष। T20 में 22 मैच खेले हैं जिसमें 312 रन स्कोर किए हैं 20 की ओर से, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 2-9-33 नाबाद, 0-26 और 4। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर स्मृति मंधाना ओपनिंग नहीं करती हैं तो उनके जगह पर ओपन करने वाली प्लेयर होंगी ऋचा घोष, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएंगी पूजा वास्त्रेकर। T20 में 37 मैच खेले हैं जिसमें 227 रन स्कोर किए हैं 14 की ओवर से और 26 विकेट नाम है, और हेड टू हेड में एक मैच में 6 रन स्कोर किए हैं 6 की ओवर से 1 विकेट नाम है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 रन 2 विकेट डिड नॉट प्ले, 13 रन 0 विकेट, 5 रन 2 विकेट और 1 नाबाद 0 विकेट। एक अभी कभार डेथ में भी बॉलिंग करा लेती है, इस बात का ध्यान रखना। उनके बाद आएंगी दीप्ति शर्मा। T20 में 74 मैच खेले हैं जिसमें 734 रन स्कोर किए हैं 23 की ओवर से और 76 विकेट नाम है। हेड टू हेड में बात की जाए तो एक मैच में 2 विकेट नाम है थाईलैंड ओमन के खिलाफ, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 नाबाद 2 विकेट 1 विकेट 64 रन 0 विकेट 16 रन 3 विकेट और 10 रन 2 विकेट। ये अपने 4 के 4 ओवर पूरे डालेगी और इसको विकेट मिलने की भी संभावना है थाईलैंड ओमन के खिलाफ। तो एक कैप्टन और वाइस कैप्टन की प्रबल दावेदार रहेगी ड्रीम इलेवन की टीम में, इस बात का आप ध्यान रखना। उनके बाद आएंगे श्रेय राणा। T20 में 19 मैच खेले हैं जिसमें 15 विकेट नाम है, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 3 विकेट 8 रन 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। ये भी अच्छी गेंदबाजी कराती है, शुरुआत में बॉलिंग करती है। उनके बाद आएंगी राजेश्वरी गायकवाड़। T20 में 41 मैच खेले हैं जिसमें 48 विकेट नाम है, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 रन 0 विकेट और 0 विकेट। उनके बाद आएंगी रेणुका सिंह। T20 में 18 मैच खेले हैं जिसमें 17 विकेट नाम है, और रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 0 विकेट डिड नॉट प्ले, 0 विकेट 2 नाबाद, 1 विकेट और 1 विकेट। बेंच में जो प्लेयर हैं अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर्स यहाँ से डालने वाली हैं आर सिंह, डी शर्मा और यश राणा। डेथ के ओवर डालेंगी आर सिंह, पी वास्त्रेकर और आर गायकवाड़। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, अब बात करते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम की बात करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं डेमो टीम की। तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है आर घोष को, बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है यश मेघना, यश टिपोच, यन चैंटम और जे रोड्रिग्स को, क्योंकि हो सकता है थाईलैंड एक स्मॉल टीम है इसलिए मैंने यश मंधाना को ड्रॉप कर दिया है। तो इसकी जानकारी आपको फाइनल टीम में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रखा है डी शर्मा को और पी वास्त्रेकर को और ओ कॉम पोंछू को। बॉलिंग सेक्शन से मैंने रखा है आर गायकवाड़, आर सिंह और यन बूचाटम को। कैप्टन में रहेंगी डी शर्मा, वाइस कैप्टन रहेंगी जे रोड्रिग्स, लेकिन फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी टॉस और लाइनअप्स आउट होने के बाद। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू।